नेशनल एमएमए के लिए जिसमें मैंने गोल्ड मेडल निकाला, मेरी दो फाइटें हुई, मैंने दोनों फाइटें जीती। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने चीफ कोच का, मंजूर अहमद डार सर का और आदिल सर का और आसिफ सर का, जिनने हमें प्रैक्टिस करवाई, हार्डवर्क करवाया और टेक्निक सिखाई, जिससे मैं आज गोल्ड मेडल जीता है, जिसकी वजह से मैंने आज गोल्ड मेडल जीता है। और मैं मसरतकार मैम जी का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिसने हमें प्लेटफॉर्म दिया जिसमें हम प्रैक्टिस करते हैं। हाल ही में मेरी सिलेक्शन हुई थी एमएमए नेशनल के लिए, जो हुआ था भोपाल में, एमपी भोपाल में। वहाँ पर मैंने ब्रॉन्ज हासिल किया। और हमारे तीन कोच है, स्पेशली हमारे चीफ कोच मंजू सर है और अल सर और आसिफ सर है, जिन्होंने हमारे इतनी हम पे इतनी इतनी मेहनत की और हमें इसके काबू बनाया। और हमें साथ ही साथ शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मसल मैम का, जिन्होंने हमें प्लेटफॉर्म अदा। तो उससे मुझे सिल्वर मिला वहाँ पर। तो हमारी जे एंड की की टीम 16 बच्चे थे हमारे, और डिस्ट्रिक्ट बारामूला के 7 थे, जिनमें से 4 गोल्ड आए, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज आया। तो कब से आप सीख रहे हो ये मार्शल? मुझे हो गया सर 2 साल हो गए। 2 साल से आप सीख रहे हो, तो आपको डर वगैरह नहीं लगता है जो फाइट्स वगैरह आप खेलते हैं? पहले तो जब स्टार्टिंग होती है तो सर डर तो सबको लगता है, लेकिन जैसे जैसे इंसान एक्सपीरियंस रहता है सबका, फिर सर एक गैज फाइट है तो डर वगैरह सब खत्म हो जाता है। जे एंड के से 16 बच्चे गए थे, जिसमें डिस्ट्रिक्ट बारामूला के 7 बच्चे गए थे। तो हम अपनी एकेडमी को रिप्रेजेंट कर रहे थे यहाँ पर, शहर में स्पोर्ट्स एकेडमी हमारी, जैसे वहाँ पे हमारे ट्रेनर्स हैं, जैसे मैं हूँ वहाँ पे कोच, और हमारे चीफ कोच मंजूर सर हैं, आसिफ सर हैं। और सबसे पहले हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं अपनी मैम का, मसरतकार मैम का, जो प्रेजिडेंट है म्यूनसिपल काउंसिल सोपोर के। तो हम यहाँ पे 23rd को निकले हैं यहाँ पे, तो हमें इनके बच्चों की सिलेक्शन हो गई थी नेशनल्स के लिए। तो जो ही हम 23rd को यहाँ से निकले तो हमारी भोपाल में फाइट हुई, तो हमारे बच्चों ने वहाँ पे बहुत अच्छी पोजीशंस हासिल की है। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट बारामूला ने 4 गोल्ड हासिल किए और 2 सिल्वर हासिल किए और 1 ब्रॉन्ज हासिल किया। ये गेम कौन सी थी? और हमारे बच्चे एमएमए नेशनल्स के लिए गए थे, कि जैसे मैं पहले भी बोला, गेम कौन सी थी? एमएमए मिक्स मार्शल आर्ट। और हमारे चीफ को जो है कि ये हमारे बारामूला को एमएमए चलाते हैं, तो हमने पहली बार एमएमए की टीम मतलब आउट ऑफ स्टेट ली है। क्या क्या मिला है वहाँ पे हमारे इन बच्चों को? हमारे बच्चों को वहाँ पे एक तो पहले इनको एक्सपोजर मिला है, कि उन्होंने देखा कि कैश फाइट, ये पहली बार उन्होंने देखी है कि कैश फाइट, क्योंकि इससे पहले तो सब जूनियर में कोई नहीं गया है। तो इससे पहले कि सब जूनियर में कोई नहीं गया, आज ये पहली बार गए, इन्होंने देखा है कि कैश कैसा होता है, कि कैसे वहाँ पे फाइट होती है, तो वहाँ पे कैसे कैसे मतलब प्लेयर्स आते हैं, कि डिफरेंट स्टेट से प्लेयर्स आए थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो जे एंड के से खाली एक ही लड़की थी नादिया नदीम, जिसने हमारे जे एंड के को रिप्रेजेंट किया वहाँ पे, और इसने वहाँ पे 3 फाइटें किए और 3 जीते, इसने वहाँ पे गोल्ड हासिल किया। शुक्रिया।